This conference will now be recorded. अध्यक्ष शनिवासर अथवा मंदवासर मार्गशीर्ष शुद्ध अष्टमी दिनांक 11 दिसंबर 2021 प्रसरत्न समीक्षा यंत्र प्रकार शंखं चक्रं जलौघां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याशकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् शांति शांति क्षिपेतर स्म घटे दीर्घ नपाधो नाल संयुते तन्नालं निक्षिपेत् अन्धभण्डकटक्षन्तरे खलु तत्र रुद्ध्वा मृद्वा सम्यक् वदने घटयोरथ अधस्तात् रसकुम्भस्य ज्वालयेत् तीव्रपावक इतरस्मिन् घटे तोयं प्रक्षिपेत् स्वातु शीतलं शीतलं स्वातु तिर्यक्पातनम् एतद्धि वार्तिकैरभिधीयते। तो ये तिर्यक्पातन यंत्र है जो हम शाला लेवल से सीखते आ रही है वही है। एक घट में रस रखे दीर्घ नताधो नाल संयुते दीर्घ नत अधो नाल तो दीर्घ एक होनी चाहिए नत होनी चाहिए अधोनाल संयुत तन्नाल क्षिपित निक्षिपे अन्य घट कक्षांतरे खलु और जो नाल है वो दूसरे घट के कक्षी के अंतर में रखनी है अंदर रखनी है। तत्र रुद्ध्वा मृदा सम्यक् वदने घटे तो फिर मिट्टी से दोनों उसके जो छोर है दोनों मुख है वो ठीक तरीके से बंद करते अधस्तात रसकुंभ से डाले तीव्र पावक और रसकुंभ जो है जिसमें रस रखा गया है उस कुंभ को तीव्र अग्नि देना है। इतरस्मिन् घटे तोयम् प्रक्षिपेत् स्वादुशीतलः दूसरे घट में स्वादुशीतल इस प्रकार का जल रखे तो स्वादु क्यों रखा है मालूम नहीं जल ही वैसे ही स्वादु तिर्यक पातन में एतत् हि वार्तिकैः अभिधीयते इसको तिर्यक पातन इस प्रकार से कहते हैं। सिर्फ ये दीर्घ नतां
दो नाल संयुत एक बार देखते हैं। दीर्घ नता धीन ना धी नाल संयुते अधो नाल दीर्घाकारः ननु नेताभिमुखं च यत् अधोनालं तेन संयुते। तस्य उदगद्धो दीर्घं अधोलम्बितनालमेकं संयोज्य द्वितीयघटोदरस्थच्छिद्रे नालाग्रप्रवेश्य मृद्वस्त्रेण सन्धिमालेप्य। ठीक है, संस्कृत से अर्थ नहीं निकल रहा, बदल चाहिए वो। अतः पालिका यंत्रम चषकम वर्तुलम लौहम विनतागरोर दंडकम एतत्ति पालिका यंत्रम बलिचारण हेतव्य। चषकम वर्तुलम लौहम विनतागरोर दंडकम विनत अग्र ऊर्ध्व दंडकम विनतम अग्रम यस्य तत्निब्जीकृत अग्रभागम ऊर्ध्वम उच्चैकृत दंडः दंडम विनताग्रं च तत् ऊर्ध्वदंडं च इति विनताग्रो ऊर्ध्वदंडकम् लोहम लोहमयं वर्तनं गोलाकारं चषकं कटोरिका कार्या कार्यम् इति शेषः। चषक शब्दस्य मद्यपान पात्रार्थकत्वेपि पात्रम् आवार्तकत्वं प्रागेव प्रदर्शितम् बलिचारण हेतवे गंधकचारणार्थम्। ये समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक लोहे का एक गोल चषक कटोरी बनावे, उसके एक किनारे एक लंबी लोहे की छड़ लगा दे, जिसका गिरा सिरा विशेष प्रकार से झुकाया टेढ़ा किया जा रहा है, इस पाली का ये अंतरक कहते हैं। इसका प्रयोग जारण आदि में होता है। फिर भी ये पता नहीं लग रहा किस प्रकार से बता रहे हैं। चतुष्प्रस्थ घटयंत्र जलाधारश चतुरंगुलिका घटयंत्र में प्रोक्तम तदाप्यायनकम स्मृतम। तो ये घट ही है। चतुष्प्रस्थ जलाधार, जितने चतुष्प्रस्थ जल रहेगा, चतुरंगुलिका और चार अंगुली जितना जिसका मुख है, घटयंत्र मिदम प्रोक्तम तदाप्यायनकम स्मृतम। और ताला अप्यायन इस प्रकार का भी उसको संज्ञा है। विधाय वर्तुलं गर्तम अतः इष्टका यंत्रम मल्लमत्र निधाय च विनिधयष्टिका तत्र मध्य गर्तवतीं शुभां। गर्तस्य परितः कुर्यात् पालिका मड्गुलोच्छ्रयां। गर्ते सूतं विनिक्षिप्य गर्तास्य वमनं क्षिपेत्। वमनं निक्षिपेत गंधकं तत्र मल्लेनास्यं निरुद्ध्य च मल्लपालिकयोर्मध्ये मृदा सम्यक् निरुद्ध्य च वनोत्पलैः पुटन्दयं कपोताख्यं न च अधिकम्। इष्टिकायन्त्रमेतत् स्यात् गंधकं तेन जारयेत्। तो ये इष्टिकायन्त्र विधाय वर्तुलं गर्तं मल्लमत्र विधाय
जमीन के अंदर एक गोल आकार का गड्ढा खोदकर उसमें एक शराब रखते हैं। तो मल्ल का मतलब यहाँ पे शराब है, और उसके ऊपर आर पार छेद वाला तथा ठीक ठीक बैठने वाला एक विशेष प्रकार का दंड, ईंट, जो गोल हो और आर पार छेद बना बना छेद हो बंद वाले। निर्धाय अष्टकान तत्र मध्यगर्तवतीं शुभाम। तो जिसमें एक छिद्र है इस प्रकार का, मध्य इस प्रकार की इष्टका वहां पे रखे, गर्तस्य परितः कुर्यात् पालिकाम मंगुल पालिका मंगुलोच्छया, पालिका मंगलोच्छया, ठीक है। और उसके छेद के चारों ओर एक अंगुल ऊंचा आलवाल पानी बना दे। गर्ते सूतम विनिक्षिप्य गर्तास्य वसनं क्षिप्य, ते वमनो है ते वसनम है। तो गर्त में सूत को डालकर उसके ऊपर वस्त्र डाले। निक्षिपित गंधकं तत्र मल्ये नास्यं निरुद्ध, उसमें गंधक डाले और फिर मुख बंद। इसके बाद ईंट के छेद में पारथ भरकर और ऊपर से पाली के बराबर कपड़ा रख दे, और इसके बाद उस कपड़ा पर गंधक रखकर ऊपर शराब ओन दे, और पानी और पाली तथा शराब की संधि को पापड़ मिट्टी से बंद कर दे। इसके बाद शराब के ऊपर जंगली उपलों से कंपोत के आज दे, इस यंत्र को इष्टिका यंत्र कहते हैं, इससे गंधक का जारण होता है। तो एक गड्ढा बनाना है और उसमें खर पर इस प्रकार का रखना है, शराब रखना है, और उसके ऊपर आर पार छेद वाला ठीक ठीक बैठने वाला एक विशेष प्रकार का ईंट, जो गोल हो और आरपा छेद हुआ छेद हो बन वाले। तो मेरे ख्याल में एक गोल ढक्कन बनाना है उसको, जिसमें आरपार छेद इस प्रकार का होगा। और फिर उस गर्त जो है उसके ऊपर पाली का अंगुलोच्छया इस प्रकार करनी है। ये जो बता रहे हैं कि ये आलवाल आल इस प्रकार का जैसे दिखते हैं वो इस प्रकार का करें। ईट के छेद में पारद भरकर ऊपर से पाली के बराबर कपड़ा रख के, और उसके बाद में उस कपड़े पर गंधक रखकर ऊपर शराब ओन दे। गर्तस्य तो ये जो गर्त है उसमें पारद डालना है, लेकिन वो नीचे गिरेगा। तो नीचे नहीं गिरना है, तो ये सिर्फ बीच में गर्त होना है, लेकिन इसमें पूरी तरह का होल न हो, ऐसा देखते हैं तो पारद उसमें रहेगा। फिर वो जो ऊपर पालिका बनी है उसके ऊपर वस्त्र में गंधक रखें,
और फिर उसको ढककर मोनोपल से ऊपर से अग्नि दे। मल्लपालिकयोर्मध्ये मृदासम्यं दुरुद्धच। मनोत्पले ही पुटम देयं कपोताख्यम न चाधिकम। इसमें कपो तो पुट देना है। इष्टिका यंत्र में गंधकम तेन जावे, तो गंधक पिघल कर पारद में समाविष्ट हो जाएगा। लेकिन ये नीचे वाला जो है वो केवल आधार के लिए है, ऐसा लगता है। मुझे लगा था कि वहां से वो नीचे के शराब में आएगा, लेकिन लगता तो है कि गंधक पिघल कर पारद में समा जाएगा, उसी गर्त में रहेगा। बीच में एक बार देखते हैं टीका में क्या है। क्या पालिकाम आलो आलम गोलाकार गर्तम एकम कृत्वा तत्र शराव संस्थाप्य तदुपरि मध्य छिद्र छिद्राम इष्टिकाम एकाम विन्यस्य इष्टिका गर्तम परितः अंगुली मितोन्नतम आलवालम एकं च कुर्यात् तथा इष्टकारब्धे पारदम इष्टकारंध्रे पारदम विनिक्षिप्य रंध्र मुखे वस्त्रम तदुपरि गंधकं च विन्यस्य शरावांतरेण रुद्ध्वा शरावालवालयोः सन्धिं मृदा सम्यक् आलिप्य वन्यकरोषैः ही कपटाकुटं दद्यात् इति निष्कर्षः। लेकिन ये जो नीचे वाला शराब है वो केवल आधार के लिए लग रहा है। ये जो बीच में गर्त बना गया है उसमें पारद रहेगा और गंधक पिघल कर उस पारद में समा जाएगा। क्योंकि अगर ये पूरा छेद है तो पारद वहां रहेगा नहीं, वो नीचे आ जाएगा। आकृति तो मेरे सामने है लेकिन ठीक है, मैं एक बार देखता हूं। स्थालिकोपरि विन्यस्य स्थालिं सन्धिं निरुद्धि च ऊर्ध्वस्थाल्यां जलं क्षिप्त्वा वह्निं प्रज्वालये तथा एतत् विद्याधरं यन्त्रं इंगुलाकृष्टि हेतवे। तो एक स्थाली के ऊपर दूसरी स्थाली रखनी है और उसमें पानी भरना है। जलं क्षिप्त्वा वह्निं प्रज्वालये तथा नीचे वाले में पानी अग्नि देना है। ये विद्याधर यंत्र है इंगुलाकृष्टि हेतवे, इंगुल से पारद निकालने के लिए ये। तो नीचे वाले थाली में पारद रखना है, तो फिर वो ऊपर वाले थाली के पीछे नीचे लग जाएगा, उसमें पानी रखना है। यंत्रस्थाली पर स्थाली दुग्धाम दत्वा निरुंधे यंत्रम डबरु काक्षम तत् रसभस्म कृते हितम्। यंत्रस्थाली के ऊपर दूसरी स्थाली न्युब्जा दत्वा निरुंधे, तो ये दूसरी स्थाली उलट इस प्रकार की रखनी है, ऊपर जो रखनी है। तो डबल ऐसा दिखता है, ऊपर वाले स्थाली के ऊपर गीला कपड़ा रखे और नीचे से अग्नि दे, और फिर ये जो हिंगुल वहां पे है रखे, तो हिंगुल ऊपर घट में जमा होगा। इसकी आकृति यहाँ पे दी है डमरू काख्य यंत्र की। अथ नाभि यंत्रम मल्ल मध्ये चरेत गर्तम तत्र सूतम सगंधकम गर्तस्य परितः उड्य प्रकुर्याद अंगुलोच्छ्रितम ततश्चाच्छादयेत सम्यक गोस्तनाकार मूषया
सम्यक तो यह मृदा रुद्धा सम्यक अत्राच्यमानया। मल्लमध्ये खरे खरे नहीं शरीर गर्तम तत्र सूतम से गंधकम गर्त से कृतः कुड्यम प्रकुर्यात् अंगुलोच्छ्रितम् ततश्चाच्छादयेत् सम्यक् गोस्तनाकार मूषया सम्यक् तोयम् मृदा रुद्धा सम्यक् अत्रोच्यमानया। मल्ल शराब में एक गड्ढा बनाकर उसमें गंधक पारत की कजली को रख दे और फिर गड्ढे के चारों तरफ एक अंगुली ऊंची की दीवार बना दे तथा दीवार समेत उस गड्ढे को गोस्तनाकार उल्टी मूषा से ढककर मूषा का मुख तथा दीवार के बाहर वाले शराब की तल की संधि को जलमृतिका की अच्छी तरह लेप लगाकर सुखा ले। इसके बाद शराब में जल भरकर उसको चूल्हे पर चढ़ा दे। चढ़ाकर नीचे की लकड़ी से नीचे से लकड़ी का आग जला दे। इससे नाभि यंत्र कहते हैं। इस यंत्र को प्रसिद्ध रसविद नामदी आदि ने कहा है। इसपे पारक तथा गंधक का निधूम उजारण हो जाता है। तो एक शराब लेना है, उसमें नीचे खड्डा बनाना है, गड्ढा बनाना है और उसमें गंधक और पारक रखना है। उसके बाजू में एक अंगुली इतनी दिखती बनाई है और फिर उसके ऊपर एक गोस्तनाकार मूषा उल्टी तरीके से रखनी है और फिर बंधन उसका भली भांति करना है मृत्तिका और पानी से और नीचे से आग देनी है। शराब को जल भर भर जल शराब में जल भर कर उसको इसको चूल्हे पर चढ़ा दे। जल क्यों बनना है, ऊपर तो नहीं है। तो ये मृदा लब्ध्वा एवढा इतना ही है। तो उसको आज देंगे तो पारा गंधक पिघल कर पारा और गंधक का निर्धूम जारण हो जाएगा। वो कब तक करना है ये तो बताया नहीं है। आलोलाकार यावत कुड्यो भित्ति ही अत्रोच्यमानाय अत्र अत्र यत्रे उच्यमानाय कथम महत्यमानाय तो ये मृदा लेहवत इत्यादि ना वक्षमाणया परिभाषित मृदा इत्यथा। अत्र प्रथम सम्यक आच्छादयति सम्यक रुद्धातृतीय समय उच्च मानाया संबंधित है तो ये मृत प्रकार वहां ले हुआ देती। ये तो आगे वाले चल गए हैं। लेकिन ये अग्नि कब तक देना है, पारा और गंधक की मूर्छना हो जाएगी इसमें तब तक करने से। वो मालूम नहीं वो ऊपर उठेगी क्या मूषा में, या मूषा का मतलब सिर्फ ढकने का है। यहाँ धूम बाहर निकलने के लिए कोई चांस नहीं है, इसलिए गंधक जारणा हो जाती है। लेहोत कृत बबूल वातेन परिमर्दितम जीर्ण पित्त रजस सूक्ष्म उड़ चूर्ण समन्वितम यम ही जलमृत प्रोक्ता दुर्विद्याम सलिले खलु। लेहवत कृत बबूल क्वाथे ना, तो उसका बबूल का क्वाथ बनाकर उसका लेह जैसा बनाना है। तो ये
रसक्रिया हो जाएगी उसकी। जीर्ण किट्ट रजः, तो जीर्ण किट्ट का रज सूक्ष्म यानी कि मंडू, गुड़ चूर्ण समन्वितम, उसमें गुड़ डालकर, यम ही जलमृत प्रोक्ता, इसको जलमृत कहते हैं, दुर्विद्या सलिले खलु, और एक बार ये सूख जाने पर ये पानी से भी उसका भेदन नहीं होता। तो यम रुद्धा रुद्धवा, ये जलमृत या तो यमृत, ये इस प्रकार से बनानी है। तो यमृत लक्षण तत्र वन्नी मृत्स्ना, वन्नी मृत्स्ना लक्षणम्, घटिका पटुक महिषी दुग्ध मर्दित ही वन्य मृत्सना भवेत। घोर वन्यताप सहा खलु, तो खटिका कटुक पटुक खटिका यानी कि ये चौक, पटु यानी कि लवण, किट्ट इससे महिषी दूध मर्दित है, महिषी दूध से मर्दन करके मदनी मृत्सना भवेद घोर वन्य ताप सागर, ये मदनी मृत्सना इस प्रकार का देव हो जाता है। घोर वन्य ताप, वन्य ताप सागर, और अत्यंत तीव्र अग्नि को भी वो सहन कर लेता है। एतया मृत्सनया रुद्धो नगन्तुं क्षमते रसा, इस प्रकार के मृत्सना से रुद्ध जो पारद है वो कहीं जा नहीं सकता। विदग्ध वनिता प्रवण प्रेमणा रुद्ध पुमानिव, जैसे विदग्ध वनिता प्रौढ़ प्रेम वाली जो औरत है उससे रुद्ध कौन कहीं इधर उधर भटक नहीं सकता, उस प्रकार से नंदी नागार्जुनश्चैव ब्रह्म ज्योतिर्मुनीश्वरः वेत्ति श्री सोमदेवश्च नापरः पृथ्वी तले, नंदी नागार्जुन ब्रह्म ज्योति मुनीश्वर ये सब इसको जानते हैं। खटिया मिट्टी नामक नमक तथा लोह किट्टस, इन सब का कपटछान चूर्ण बनाकर तथा समान मात्रा में लेकर भैंस के दूध के साथ अच्छी तरह से घोल दो, या इसको वन्य मृत्सना कहते हैं, यह इस मृत्सना से अवरुद्ध पारद बाहर नहीं निकल जाता, इसे विदग्ध प्रवीण जवान स्त्री के प्रेम से बंधा पुरुष बंधा रहता है, अर्थात पात्र तथा ढक्कन की संधि को इस मिट्टी से लेप कर ऊपर से कुपर मिट्टी कर देने से पात्र के अंदर रखा हुआ पारद आंच पानी पर भी बाहर नहीं आता। इसके प्रभाव को नंदी नागार्जुन मुनीश्वर दोनों जो पिता सुनते को छोड़कर कोई नहीं जानता। तो पारद को बद्ध करने के लिए यह अच्छा तरीका इस प्रकार का है। और अभी मालूम नहीं इस प्रकार से बंध कर करेंगे तो पारो उसका भेद नहीं कर पाएगा, तो ये काफी अलग इस प्रकार का है। ततो जलम विनिक्षिप्य वन्यम प्रज्वालय दधा नाभि अंतर में प्रोक्तम नंदिना सर्ववेदिना, अनेन जायते जीयते स्यूतो दुर्गमा शुद्ध गंधकः, तो पानी डालकर वन्यम प्रज्वालय दधा नीचे अग्नि जलाए, नाभि अंतर में इसको नाभि अंतर कहते हैं, नंदिना सर्ववेदिना अनेन जीयते स्यूतो दुर्गमा शुद्ध गंधकः। तो निर्धूम पद्धति से इसमें गंधक की जारणा हो जाती है। तो ये पानी रखेंगे तो बाजू में पाने और बीच में पारद और उसके ऊपर मूषा, ऐसा कुछ पिक्चर होगा।
और ये पानी रखने का क्यों है? बिटकर चूर्ण गुड़ चूर्ण बबूल वाता मध्ये केलेल्या मिश्रण वॉटरप्रूफ सिमेंट प्रमाणे वापरता येईल. पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी तुम्ही जो हौद केला होता त्याला याचा लेप दिला असता तर सक्सेस झाले असते. हाँ, उस समय में मैंने तो गुजरात से आदमी आया था उसने किया, लेकिन उसका एक्सपर्टाइज नहीं था. गुड़ और चूना से मैंने किया था, उसने किया था उस समय में, लेकिन वो टिक नहीं पाया और वो फिर सभी सिस्टम तोड़नी पड़ी, कुछ नहीं हो पाया उसमें तो. हाँ, ये शायद बात होगी. अगर अंडरग्राउंड टैंक बनाना है जैसा कि प्रचलन गुजरात और राजस्थान में है, तो उसमें इस प्रकार से लेप लगा सकते हैं और फिर बरसात का पानी वहां पे टिकेगा. तो बिटकर चूर्ण या ये बबुल क्वाथ की रसक्रिया ये महत्वपूर्ण है. तो ऊपर में खटिका का मतलब खड़ू इस प्रकार का किया जाता है जनरली. तो खड़िया मिट्टी नमक, खड़िया मिट्टी. ये थोड़ा सा देखना चाहिए. चाक पाउडर ये बात हो सकती है, नहीं तो तुम जैसे बता रहे हो बिटकर का चूर्ण गुड़ चूर्ण और बब्बू. इसमें एक अहम मुद्दा है, ईंट जिस प्रकार से बनाई जाती है वर्जित करके, तो उससे पर्यावरण की काफी हानि होती है. इसलिए उत्तराखंड में बेकर नाम के किसी विदेशी आदमी ने बहुत प्रयास किए थे ये मिट्टी से ईंट बनाना बगैर वर्जन के. और फिर अभी वाड़ा में जो है इस्कॉन का, उसमें भी उसी टेक्निक को अपनाया है और जो भी घर बने हैं वो बिना वर्जित मिट्टी से बने हैं. तो शायद इसमें इस प्रकार का कुछ डालना पड़ेगा ताकि पानी अंदर ना आए. तो वो तो वाटरप्रूफ है, उसमें संदेह नहीं है. तो उसमें क्या डालते हैं एक बार देखना चाहिए. बबुल क्वाथ रसक्रिया ये मेरे ख्याल में इसमें अहम है, देखना चाहिए इसको. इस प्रकार से करते एक वृद्ध घट को अंदर से अगर लेप दे दे इसका और देखे कि पानी बाहर नहीं जा रहा या अंदर नहीं आ रहा इस प्रकार से, तो ये वाटरप्रूफ सीमेंट की जैसे काम करेगा. और उसको भली भांति कर सकते हैं. बाभळी से लाकूड इकड़े नाव होडी बनवण्यासाठी वापरतात, पाण्यात सडत नाही. ये भी अच्छा है. अभी सुबाहूड आ गई है, ये हाइब्रिडाइज वैरायटी है. महाराष्ट्र शासन ने जिसको पुरस्कार किया था और फिर बाद में वो बंद हो गया सर. तो हमारी जो ओरिजिनल बाभुल है उसी का प्रयोग करना पड़ेगा. और ये एक अच्छा होगा अगर हम भली भांति वाटरप्रूफिंग इसकी कर सकेंगे, तो एक अच्छी बात इस प्रकार की रहेगी. और इस प्रकार के अगर टैंक
अंडरग्राउंड बनाएंगे भूमि के नीचे, तो एक बात हो सकती है कि इसमें हम वर्षा ऋतु में पानी इकट्ठा कर सकते हैं और वो पूरे बरस के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। अभी शायद छोटे पैमाने पर इसका प्रयोग करके देखिए कि कैसे पॉसिबल हो। इस प्रकार से हमने बड़े पैमाने पर किया था प्रयोग, लेकिन वो पूरा वेस्ट हो गया, उसमें कुछ रहा नहीं। इस प्रकार से तो ठीक है, बबुल का एक इसमें अहम रोल इस प्रकार का रहेगा। मूषा मूषो दरा विष्टाम आद्यंत समवर्तुलाम चिबिटांश तले प्रोक्तम यस्त यंत्रम मनीषी सूतेन्द्र रंधनार्थम ही रस विद्भिरुदीरिताम। सूतेन्द्र रंधनार्थम, तो एक मूषा दूसरी मूषा के अंदर स्थित है, समवर्तुल इस प्रकार के आद्यंता समवर्तुला, दोनों छोर में समवर्तुल है। चिपिटांच तले प्रोक्तम ग्रस्त यंत्र मनीषी समझ में नहीं आ रहा। तो आदि से अंत तक समान मोटी लंबी चौड़ी तल में चिपटी तथा गोल आकार की एक मूषा बनाकर उसको दूसरी मूषा इस प्रकार की तथा उससे लंबी चौड़ी में प्रविष्ट कर दे। इस यंत्र को आचार्य ने ग्रस्त यंत्र कहा है, उसका प्रयोग पारद बंधन के लिए किया जाता है। तो सिर्फ आकार में बदल है, समान मोटी लंबी चौड़ी तल में चिपटी तथा गोल आकार। तले प्रोक्तम, तो एक दंडगोल जैसा होना है जिसमें तल की बाजू बंद की गई है, गोल है, और उसी प्रकार से एक उससे बड़ी मूषा बनानी है और ये इसमें रखनी है। सूतेन्द्र बंधनार्थ में रस विद्भिरुदीरितम्, ये ग्रस्त यंत्र है। स्थाल्याम ताम्रादि निक्षिप्य मल्ले नास्यम निरुद्ध्य च पच्यते स्थालिकाधस्ता तत्थाली यंत्रमिति। तो स्थाले ताम्रादि रखकर मल्ले नास्यम निरुद्ध्य च, और फिर मुख उसका बंद करके पच्यते स्थालिकाधस्ता, उस थाली के नीचे से अग्नि देते हैं, स्थाली यंत्र उसको कहते हैं। घड़ा में औषधि मर्दित ताम्र आदि को गोलों पर रखकर तथा घड़ा के मुख को भी शराब से ढककर उन दोनों की संधि को अच्छी तरह कपड़ मिट्टी से बंद कर दे और उस घड़ा को चूल्हे पर चढ़ाकर नीचे से आग दे, इसको स्थाली यंत्र कहते हैं। तो ये निर्धूम इसी प्रकार का है। विधाय अष्टांगुलम पात्रम लोहम अष्टांगुलोक्षयम कंठाधो द्वांग द्वंगुले देशे गलाधारे ही तत्र च तिर्यक लोह शलाकांश तन्वी तिर्यक विनिक्षिपे तनूनि स्वर्ण पत्राणि तासाम परिव्यञ्जसे। धूप यंत्र, तो अष्टांगुल पात्र लोह का अष्टांगुलोच्चयम, अष्टांग उसकी ऊंचाई हो। कंठाधो द्व्यंगुले देशे गलाधारे ही तत्र तिर्यक लोह शलाकया तन्वी तिर्यक विनिक्षिपे। तो कंठ के नीचे द्व्यंगुल अंतर पर गलाधार जहां पे है उसमें तिर्यक लोह शलाकांश, लोह शलाका तिर्यक इस प्रकार की तन्वी
विनिक्षिपे, उसको तिरछा इस प्रकार से अंदर रख देना है। और तनु स्वर्ण पत्र उसके ऊपर रख दे, पत्रादो निक्षिपे धूमम वक्षमाणं यही वही तत्पात्रम निब्ज पात्रेण छादय दपरेण मृदा विलिप्य संधि च गंधिम प्रज्वालय दधा तेन पत्राणि कृत्स्नानि अतानि उक्त विधानतः प्रसश्चरति वेगेन द्रुतं गर्भे द्रवन्ति च गंधका गंधालक शिलानां हि कज्जल्या वा मृतादिना मृताहिना धूपनम स्वर्ण पत्राणाम प्रथम परिकीर्तितम तारार्थम तारपत्राणि धृतवंगेन धूपये धूपय चेथा योग्य अन्य रूपस अन्य ही उपरसे रपि धूपयंत्र मिति प्रोक्तम जारणात द्रव्य साधने एखाद्या प्रतिकृतीचे वर्णन करण्यासाठी मराठी भाषा अधिक समर्थ आहे का? संस्कृत मधील वर्णन वाचून किती कन्फ्युजन होते, नेमके चित्र पटकन डोळ्यासमोर येत नाही की आपण मराठीत बोलतो म्हणून मराठीतून सहज कळते असे असे। इसमें एक्चुअली समझ नहीं रहा, यही समस्या है। सवाल मराठी का या हिंदी का नहीं है। जो संस्कृत पढ़ रहे हैं उससे पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा और जो आकृति सामने आनी चाहिए वो नहीं आ रहा। एक बार आकृति सामने आ जाए तो शायद मराठी हिंदी अंग्रेजी कुछ ना किसी ना किसी तरीके से उसके बारे में कह सकें। आपत्ति ऐसी है कि यहाँ हिंदी भाषांतर भी मैं पढ़ रहा हूँ फिर भी उसमें से भी ये ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रहा। ये वस्तु स्थिति है इस प्रकार से, और उसका मूल कारण इसके ऊपर प्रयास किए ही नहीं है आज तक। रसशास्त्र के रसौषधि बनाने वाले जो वैद्य हैं उन्होंने भी इसके बारे में प्रयास ज्यादा किए होंगे तो एक अलग बात है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसके बारे में नहीं है तो ये थोड़ा आधा अधूरा पद इस प्रकार का रह जाए। फिर भी मैं मानता हूं कि पहली बार पढ़ रहे हैं, दूसरी तीसरी बार पढ़ेंगे, अभी तो मुझे मालूम नहीं इसको दूसरी तीसरी बार पढ़ेंगे इस प्रकार का नेहमी बघण्यात नाही त्या गोष्टी, त्यामुळे कळत नसेल। और प्रैक्टिकल जब तक करके नहीं देखेंगे तब तक या आधा अधूरा इसी प्रकार का रहे। तो प्रैक्टिकल करना आरंभ कर देना चाहिए। सभी कर पाएंगे ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन जो भी कर सकते हैं वो जरूर उसका प्रैक्टिकल करें। और इसका एक म्यूजियम जैसा बनाए, वैसे मैंने भी एक सुझाव दिया था आयुर्वेद का एक म्यूजियम बने इस प्रकार से। ये बात मुझे तब मेरे ध्यान में आई जब मैंने यहाँ अहमदाबाद में प्रदर्शनी देखी। वो तो आध्यात्म के हिसाब से है। अक्षरधाम अक्षरधाम जब मैंने देखा तो वहां इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक इनके आधार पर लोगों को लुभावने वाली इस प्रकार की प्रदर्शनी है। वैसे तो है मूल उद्देश्य उसका जो है वो आध्यात्म के बारे में। तो देखने के बाद मुझे पता चला कि आयुर्वेद में तो ऐसे बहुत कुछ दिखाने लायक है। और आयुर्वेद के बारे में जो गलत सहमियां है वो इससे दूर हो सके तो आयुर्वेद धाम बनाएंगे ऐसा मैंने सोचा था। मैंने ये बात सर देशमुख सर से की, उन्होंने अक्षरधाम नहीं देखा था। तो बोले कि ठीक है हम दोनों जाएंगे एक बार देखेंगे और फिर आयुर्वेद धाम कैसे बनाएंगे उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन उसको भी 5-6 बरस हो गए, हम दोनों को फुर्सत नहीं मिली है एक साथ अहमदाबाद जाने के लिए, वो वैसा ही रह गया। फिर मैंने सोनाली शिंदे से बात की,
क्योंकि ये तो पुणे से नजदीक है, वागोली भी वैसे नजदीक है, वागोली में जमीन ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लेकिन वो भी बोली हाँ करेंगे। उसने एक छोटा प्रारूप बनाने के लिए सोचा था। मेरे मन में तो भव्य दिव्य इसके बारे में संकल्पना है। और आयुर्वेद की विभिन्न परंपराएं हैं, ब्रह्मा सूक्ष्म आयुर्वेद प्रजापति नदी जो चरक में बताई गई या भागवत में बताई गई, इस प्रकार की जो परंपरा है। सुश्रुत में आई हुई धन्वंतरी देवदास की जो परंपरा है, काश्यप की परंपरा है, तो इन सभी परंपराओं के बारे में, रस शास्त्र की परंपरा नागार्जुन से शुरू हुई है, तो ये भी एक अलग परंपरा इस प्रकार की रहेगी। फिर हमारे ग्रंथ रहेंगे वहां पर, ये इतने सारे ग्रंथ संस्कृत में उपलब्ध है। आप लोग समझते हैं कि आयुर्वेद कुछ नुस्खे है इस प्रकार से, वो साइंस है, ये लोगों के सामने आना जरूरी है इस प्रकार का रहेगा। और फिर आयुर्वेदीय आहार वगैरह के बारे में, दिनचर्या के बारे में, ऋतुचर्या के बारे में इसमें काफी बहस इस प्रकार की होगी। और फिर रोगों के बारे में आयुर्वेद के दृष्टि से जानकारी होगी, पथ्यापथ्य के बारे में जानकारी इस प्रकार की होगी। और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ये सब लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई दे, लोग इसमें आकृष्ट हो जाए, ऐसा थोड़ा करेंगे। थोड़ा सा गरिमा बैंगलोर तो इसके बारे में अच्छी तरीके से प्रयास कर सकते हैं। और उसके साथ में मरीज को देखने की भी सुविधा हो, हॉस्पिटल हो, एडमिशन कर सकते हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो वागोली आइडियल प्लेस है कि जहाँ इंस्टीट्यूट भी है, कॉलेज भी है, अस्पताल भी है, जगह बहुत ज्यादा है इस प्रकार से। और फिर इसके आधार पर आयुर्वेद का एक अच्छा सेंटर बन जाए, आयुर्वेद धाम, जो लोग वहां पे आएंगे देखने के लिए इस प्रकार से। और आयुर्वेद के शास्त्रीयत्व का प्रचार प्रसार इस प्रकार का हो। लेकिन ये बात अधूरी इस प्रकार की रह गई। इसमें दो चीजें हैं, एक तो विजन होनी चाहिए कि क्या कैसे करना है, क्या करना है वगैरह वगैरह। दूसरी बात जगह होनी चाहिए, और तीसरी बात पैसे होने चाहिए, क्योंकि इसमें पहले तो पैसे डालने पड़ेंगे ये सब। बात हाँ अहमदाबाद नहीं, वाले रास्ता ये पॉसिबल है, अहमदाबाद में ये जल्दी हो सकेगा इस प्रकार से। तो अक्षरधाम वैसे अहमदाबाद में है, दिल्ली में भी है, और कहाँ है मालूम नहीं है इस प्रकार से। ये लेकिन ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार की है, और इतने बड़े पैसे, इतने ज्यादा पैसे खर्च करने पर सेल्फ सस्टेनिंग होने के लिए भी कमर्शियलाइजेशन आवश्यक इस प्रकार का। तो उसमें मूल्य रखा जा सकता है देखने के लिए, और फिर भी लोग आएंगे, इसमें कोई मुझे संदेह है इस प्रकार का। लेकिन सिर्फ ऐसा है कि उसका उद्दिष्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि शुद्ध आयुर्वेद के स्वरूप को लोगों के सामने रखना, ये उसका उद्दिष्ट इस प्रकार का होना चाहिए। और आयुर्वेद के शास्त्र है ये लोगों को समझाने के लिए उसका प्रयोग करें। फिर उस पे काफी और अन्य भी बातें कर सकते हैं कि ये विभिन्न वीडियो अभी रख सकते हैं, दंत धावन है, नस्य है, अंजन है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। विभिन्न पंचकर्मा वगैरह प्रोसीजर्स है, उसके बारे में वीडियो रख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, पुण्यात इस्कॉन मार्फत शक्य हो सकते, लेकिन इस्कॉन का मूल उद्दिष्ट तो ये नहीं है, उसका तो आध्यात्म है मूल उद्दिष्ट जो है। हो सकता है अगर इसको आरोग्य और अध्यात्म इनको जोड़ दे तो ये हो सकता है।
जगह भी यहाँ पे इस्कॉन में जगह है, अच्छी जगह है, लेकिन लोग वहां आते हैं वो दर्शन करने के लिए हेतु आते हैं। वैसे वाघोली ही आइडियल है अभी के सिचुएशन में देखा जाए तो। अहमदाबाद में हो सकता है, क्योंकि जो दादा हर्डीकर वहां पे अच्छे बुजुर्ग वैद्य रहे, उन्होंने काफी काम किया है इन साधु साधियों के लिए, तो वो इस प्रकार की एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं इस प्रकार से। आयुष मंत्रालय मदद से मालूम नहीं, पॉलिटिकल अगर हम करेंगे उसके बारे में तो ये काफी मुश्किल होगा। बेटर है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई ट्रस्ट इसको करे, और फिर डिवोटी मध्ये आयुर्वेदा बद्दल बऱ्यापैकी अवेअरनेस आढळतो आणि पैसा पण बराच असतो त्यांच्याकडे। ये सही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। फिर भी उसका थोड़ा हिस्सा अध्यात्म से जुड़ा सद्वृत्त का हिस्सा इस्कॉन बना सकते हैं शायद। मूल रूप से सभी आयुर्वेद को अगर सामने लाना है तो आयुर्वेद कॉलेज, आयुर्वेद अस्पताल जहाँ पे जगह हो यही अच्छा है। वैसे कोयम्बतूर के नजदीक ये जो विलेज बनाया है आयुर्ग्राम या नाम याद नहीं आ रहा, वहां पे भी ये बात अच्छी तरीके से हो सकती है। वो तो कमर्शियल है और ज्यादातर विदेशी लोग ही वहां पे ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बहुत अच्छा प्रथा। तो कृष्ण कुमार जी अब नहीं रहे, कृष्ण कुमार जी की विजन एक अलग विजन थी और वो इस बात को पहली महती समझ पाते। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किस तरीके से हो इसके बारे में थोड़ा सोचना है, और शास्त्रीय स्वरूप उसका व्यक्त होता रहे ये हमें करना है। तो अभी देखते हैं, सोनाली सुंदर से मैं बात करूंगा, छोटे पैमाने पर उसका कहना था कि हम यहाँ पे कर पाएंगे इस प्रकार से। अभी कंस्ट्रक्शन तो हुआ है उनका, उनके मन में क्या क्या है ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी, लेकिन मेरे मन में जो संकल्पना है वो भव्य दिव्य इस प्रकार की संकल्पना है, और ये काम करेगी। जैसे अक्षरधाम पॉपुलर हुआ इस प्रकार से आयुर्वेद धाम भी पॉपुलर होगा और आगे उससे पैसा मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो इन्वेस्टमेंट हमने करी है उससे रिटर्न्स हमें नहीं आएंगे, रिटर्न्स आएंगे लेकिन वो उस तरीके से होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और कम से कम आयुर्वेद छात्रों को तो वहां पे लेके आ सकते हैं, सभी भारत भर से जो आयुर्वेद महाविद्यालय हैं उनके छात्रों के लिए यहाँ किट्स अरेंज कर सकते हैं, और आयुर्वेद छात्रों को भी आयुर्वेद के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है कि कितनी बड़ी परंपरा है और कितना व्यापक इसका स्वरूप है, ये छात्रों के सामने अगर नहीं आएगा तो थोड़ी मुश्किल इस प्रकार की बात होगी। और फिर वहीं पे गुरुकुल भी चला सकते हैं, निवास की व्यवस्था हो सकती है, गुरुकुल करा सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं इसको सामने रखते हुए हम कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि एक अच्छी संकल्पना है और उसको भली भांति हम निभा सकते हैं इस प्रकार से। तो विजन होना एक अलग बात है, पूरी सामग्री इस प्रकार की होना, पैसा होना ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है, और ये स्वामीनारायण टेम्पल इसका ट्रस्ट है और उनके जरिए ये सब अक्षरधाम के निर्माण किए गए, तो ये जो विजन रहेगी वो अलग इस प्रकार की रहेगी। शायद ये बात रविशंकर से भी हो सकती है, श्री श्री रविशंकर के पास
आयुर्वेद और अध्यात्म दोनों के सिलसिले में उनके पास कल्पना ये हो सकती है, पैसा भी हो तो उनके पास भी ये कल्पना हो सकती है, उनके पास जगह भी है काफी जगह इस प्रकार से। लेकिन विजन नहीं है तो कुछ नहीं है, विजन आवश्यक है फिर बाकी संभार इकट्ठा किया जा सकता है। तो थोड़ा देखेंगे कि इस प्रकार से अगर हो सकता है तो उसमें फिर ये सब यंत्र वगैरह सब रख सकते हैं, प्रैक्टिकल उसका दिखा सकते हैं, ये अगर बात हो सकती है तो छात्रों के लिए एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर बन जाएगा। मेरे में ख्याल में ऐसा था कि गुरुकुल विभिन्न स्तर का हो, यूजी के लिए अलग हो, पीजी के लिए अलग हो, रसशास्त्र के लिए अलग इस प्रकार का हो, संहिता मूल टीका पढ़ने के लिए अलग इस प्रकार का हो। लेकिन हुआ नहीं, एक ही गुरुकुल कैसे वैसे चला रहे हैं। तो विभिन्न तरीके से गुरुकुल के बारे में भी सोच सकते हैं और पूरे विश्व भर से इसमें लोग आ सकेंगे। ठीक है, तो 263 रुकते हैं और सोमवार को चरक को आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्य तंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निकिरजनकृत् व्याप्तचित्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार सोमवार सरे।